जहाँ पर उल्टा करती थी कांग्रेस, कहती थी देश के संसाधनों पर तो केवल मुसलमानों का अधिकार है, इस देश का हिंदू कहाँ जाएगा। उनमें सांप्रदायिकता नजर नहीं आती, उनमें सद्भावना इनको नजर आती है, उनमें सद्भावना नजर आती है। लेकिन राम मंदिर इनके लिए सांप्रदायिकता का और राम मंदिर हमारे लिए राष्ट्रीयता का। मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल गर्म है, इसके साथ ही बीजेपी नेताओं की मौजूदगी के बाद मध्य प्रदेश सियासत का हॉटस्पॉट बन गया है, जहां बीजेपी नेता विपक्ष पर एक के बाद एक जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। और हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी समस्याओं का समाधान चाहा ही नहीं, अगर वो चाहती तो भूख से मर रहे लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था कर सकती थी, अगर वो चाहती तो देश के पहले चुनाव के बाद लोगों की समस्याओं को दूर करने का उनके पास मौका था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस उल्टा काम करती थी, कांग्रेस कहती थी कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है, देश का हिंदू आखिर कहां जाएगा। कांग्रेस अगर समस्या का समाधान चाहती, 1947 में देश की आजादी के बाद, 1952 में पहले चुनाव के बाद, वह कभी भी हर घर में शौचालय बनाने का कार्यक्रम कर सकती थी, हर गरीब को घर दे सकती थी, हर गांव तक बिजली पहुंचा सकती थी, हर परिवार को रसोई गैस के उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दे सकती थी, भूख से मर रहे लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था कर सकती थी, बीमारी से तड़पते हुए लोगों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा का कवर दे सकती थी। कांग्रेस ने इनमें से कुछ भी तो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ तो उल्टा करती थी कांग्रेस, कहती थी देश के संसाधनों पर तो केवल मुसलमानों का अधिकार है, यही तो कहती थी, इस देश का हिंदू कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। और उसके साथ जिस प्रकार का भेदभाव करती थी, भाइयों बहनों, यह देश और इस देश की युवा पीढ़ी को कांग्रेस को कभी माफ नहीं करना चाहिए, कभी माफ नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी को हर मोर्चे पर घिरा। उन्होंने कहा कि उनके लिए राम मंदिर सांप्रदायिकता का प्रतीक है और हमारे लिए राष्ट्रीयता का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर की समस्या का समाधान हो गया होता क्या? और अगर मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या महाकाल का महालोक बन गया होता क्या? कांग्रेस ही तो कभी बनाते ही नहीं, कभी नहीं बनाते, इनकी इनके एजेंडे के हिस्से ही नहीं, क्योंकि महाकाल का महालोक और राम मंदिर के निर्माण में, काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में इनको सांप्रदायिकता नजर आती है। लव जिहादी उन तत्वों को जो अपनी जिहादी मानसिकता का जहर उगल रहे हैं, उनमें सांप्रदायिकता नजर नहीं आती, उनमें सद्भावना इनको नजर आती है, उनमें सद्भावना नजर आती है। लेकिन राम मंदिर इनके लिए सांप्रदायिकता का प्रतीक है और राम मंदिर हमारे लिए राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है। बता दें कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि कांग्रेसी कहते थे कि राम तो है ही नहीं और वो कभी राम मंदिर बनने भी देना नहीं चाहते थे।